अमेठी को लगे हैं उतने उसके प्राइवेट पार्ट पे। आज 7 दिन हो गए इस रेप के मामले को, एक नेता नहीं, एक अभिनेता नहीं, एक व्यक्ति नहीं, कोई नहीं गया उस बच्चे से मिलने के लिए। 2 साल की बच्ची अब माँ नहीं बन सकती है। नीतीश जी आप बताइए कहाँ है आपका महिला आयोग, क्यों हम काम करेंगे अपने पैसे को लगा के? 7 को टाका लगा हुआ है उस बच्ची का, आप देखिएगा तो दिल दहल जाएगा उस बच्चे। प्राइवेट पार्ट में जब टाका लगता है किसी को, एक टाका लगता है, तो एक जवान औरत की हालत खराब हो जाती है, उस 2 साल की बच्ची की क्या हालत होगी आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। बिहार के बांका में 2 साल की बच्ची के साथ 40 साल के एक युवक लगभग 1.5 घंटे तक रेप करता रहा और जिसकी वजह से मासूम बच्ची का बहुत ही हालत गंभीर हो गया है। अभी हम बांका से लौटी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी जी हमारे साथ है, बच्ची की क्या स्थिति है और नीतीश कुमार जी का बुलडोजर आखिर उस परिवार पर कब चलेगा जो इस घटने को अंजाम दिया है। मैडम बच्ची की क्या स्थिति है, क्योंकि एक 2 साल की बच्ची के साथ 40 साल का एक युवक दुष्कर्म करता है और बड़ी बर्बरता के साथ है। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय बताई जा रही है। आप अस्पताल से अपनी पूरी टीम के साथ लौटी है, क्या स्थिति है उस बच्ची की? देखिए स्थिति बहुत नाजुक है, बच्ची मतलब वो इतनी दहशत में, उस इतनी कम उम्र में उस बच्ची को इतना समझ आ गया कि मुझे अब किसी के गोद में नहीं जाना है। मतलब हम लोग उसको ऐसे टच भी कर रहे थे तो वो ऐसे घूम रही थी। तो देखिए कैसे बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी डाल के डेवलपमेंट, तकलीफ बहुत है। 7-8 टाके बच्ची को लगे हैं उतने उसके प्राइवेट पार्ट पे, उतनी छोटी सी बच्ची को वैसे जगह पे टाके लगना। उसके बाद दरिंदा तो खैर अरेस्ट हुआ है फॉरेंसिक, बुलडोजर कब चलेगा नीतीश जी? अरे नहीं चलेगा भाई, ऐसा बात ही नहीं बोलने का है, ऐसा बात बोलने का नहीं। नीतीश जी यहाँ इंतजार करते हैं कि हमारी बेटियों का रेप की संख्या बढ़े। क्या अभी क्या लग रहा है, आज 7 दिन हो गए इस रेप के मामले को, एक नेता नहीं, एक अभिनेता नहीं, एक व्यक्ति नहीं, कोई नहीं गया उस बच्चे से मिलने के लिए वहां पे, और ना कोई मीडिया चैनल इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया है। वो तो भला हो महिला विकास मंच का कि बड़ी तत्परता के साथ 2 साल की बच्ची की इंसाफ की लड़ाई की लड़ने के लिए ये लोग पटना से कोई जो है कलकत्ता से कोई, पटना से कोई, भागलपुर से कोई, समस्तीपुर से, मधुबनी से कोई पहुंच कर जो है बांका पहुंची और यथास्थिति जानने का प्रयास किया। सर 2 साल की बच्ची जो है वो बारात देखने गई थी और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म कर दिया जाता है चॉकलेट का लालच देकर। बारात देखने गई थी बिटिया, बारात देखने गई थी, उसको बिस्किट का पैकेट के लालच में चलो घुमाने बच्ची को गोद में लेके गया। आधा घंटा जब हो गया तब परिजन बोले बच्चा लेके नहीं आया, चाचा मतलब गांव का चाचा लगता था, माँ उसकी चाचा बोलती थी उसको, मतलब अपने चाचा ही नहीं अपनी भतीजी को छोड़ा। हाँ यस, तो और उसके बाद जब वो आया तो गमछा से लपेट के खून से बच्ची बहुत रो रही थी। माँ का कहना था कि इसको रोता देख के हम गोद में लिए, गांव में तो अंधेरा वगैरह रहता ना, समझ में आया नहीं, जब गोद में ली तो पूरा माँ का साड़ी खून से लथपथ। तब वो ऐसे हटा के देखी, तब मामला तूल पकड़ा, लेकिन फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाके बच्ची की जान जा सकती थी। लगभग लीटर में अगर बात करें हम, इतना टाका आप बता रही थी लगा था? 7-8 टाका, 7-8 टाका, मतलब डेढ़ 2 साल की बच्ची है। डिलीवरी जब होता है और प्राइवेट पार्ट में जब टाका लगता है किसी को, एक टाका लगता है, तो एक जवान औरत की हालत खराब हो जाती है, उस 2 साल की बच्ची की क्या हालत होगी आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं इस बात का। हमारे रोंगटे खड़े हो सकती है, वो कभी माँ भी नहीं बन सकती है। फिर आ गया हॉस्पिटल, हमारे से तो देखा नहीं गया, बहुत बुरी स्थिति है। प्लीज आप लोग भी जाइए वहाँ पर और जाकर, लोगों को भगवान ने इंसान के रूप में इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन अब अपने ही रिश्तेदार और हम इंसान अब हैवान बन जा रहे हैं और यही कारण है कि इंसानियत की परिभाषा को दूषित करते हुए हैवान की परिभाषा को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं और 1.5-2 साल की बच्चियों के साथ जो है रेप जैसी घटनाएं इस देश में हो जाती है और यही कारण है कि 35-40 साल का एक युवक 2 साल की बच्ची के साथ 1.5-2 घंटे तक रेप करता है और उसको उस स्थिति में छोड़ देता है कि वो जीवित ही ना रहे। नहीं, वो रेपिस के अपना, उनकी 3 बेटी है, 1 बेटा है, 4 बच्चे का बाप है और वो दरिंदा मतलब ऐसे कैसे कर दिया, जिसको खुद की बेटी है वो कैसे कर सकता है किसी बेटी के साथ, खुद एक दूर की भतीजी वो लगती और है। दूर की भतीजी लगती है और उसके बाद अपने भतीजे के साथ रेप जैसी घटनाओं को वारदात दे दिया जा रहा है। उसके बाद भी उसके परिजन को, प्रीता के परिजन को धमकी दे रहा है रेपिस का परिवार कि अब अगर तुम लोग मुंह खोलोगे कुछ बताओगे तो हम लोग अभी और भी कुछ कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लिटरली बोला है उसके परिवार ने कि जेल है तो बेल भी है, आज हमने हल्ला करके उसको जेल में डाल दिया और इसमें कोई दो राय नहीं, 4 से 5 महीने में ऐसे रेपिस्ट फिर बाहर निकलते हैं। और आज मैं फिर पूरी महिला विकास मंच की टीम से, अभी ये रात के 11 बजे हम आ रहे हैं, नीतीश जी आप बताइए कहाँ है आपका महिला
महिला आयोग, क्यों हम काम करेंगे अपने पैसे को लगा के? कहां गया वो करोड़ों का फंड जो महिला आयोग के नाम पे आप 3 साल से दबा के बैठे हैं? क्यों, अगर आपने महिला आयोग को बंद नहीं की, ताला लगा के रखा है, और महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, तो ये महिलाएं जो रोड पे चल रही हैं, जो जमीनी लेवल पे काम कर रही हैं, तो आप उन्हें ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं अपने समाज को स्वच्छ करने के लिए? तो ये सब हमारी लड़ाई है। आज कितना दुख का बात है कि जहां सशक्तिकरण की बात होती है, आज बिहार सरकार के पास महिला आयोग, कौन है आपके महिला आयोग के अध्यक्ष? नारी शक्ति, देश की तरक्की, बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी, तमाम नारा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन सबका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ महिला विकास मंच ने लिया है कि अगर नारी को पढ़ाना है तो महिला विकास मंच पहुंचेगा, बेटी को पढ़ाना है तो महिला विकास मंच पहुंचेगा। महिला आयोग है कहां? सवाल है, क्या महिला आयोग का काम, जो सरकार का दायित्व होता है कि महिला आयोग का काम महिला आयोग करे, वो क्या महिला विकास मंच करेगा? तो दुर्भाग्य है कि आखिर नीतीश कुमार जी का महिला आयोग है कहां, और जो बुलडोजर की बात करते हैं उनका बुलडोजर है कहां? जब एक रेपिस्ट के घर पर आप लोग बुलडोजर नहीं चला सकते हैं तो आखिर बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं? सवाल है ना। और वो रेपिस्ट से शराब के नशा में भी था। हाँ, कुछ हाँ, लोग कहने की बिना शराब के रेप हो ही नहीं सकता, कहने की वहाँ के आस पड़ोस से पता चला। हम लोग घटना स्थल पर गए तो उसके हाथ में, एक हाथ में बोतल था और एक हाथ में लड़की उसके, मतलब पूरा फिल्मी सीन दोहराया गया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जो 2 साल की बच्ची, 2 साल होने वाली थी, 2 साल की बच्ची अब माँ नहीं बन सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर ने इस चीज का आशंका जताया है कि ये बच्ची माँ नहीं बन सकती है, और वो बच्ची अब एक मामूली बच्ची नहीं रही, उस बच्ची की सुरक्षा की भी बात है। अब वो बच्ची बड़ी होगी, उस बच्ची से समाज सवाल करेगा, हम ही और आप उससे सवाल करेंगे, उसको दोष देंगे। वो बच्ची मामूली नहीं रही, उसकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। वो बच्ची की बताइए, वो 7 को टाका लगा हुआ है उस बच्ची का, आप देखिएगा तो दिल दहल जाएगा उस बच्ची को देख करके। आज हम लोग उस बच्ची को जो रेप किया है उसके घर भी गए और उसके परिवार से यही सवाल किए कि आप बताइए कि आप भी उस पिता की बेटी है, अगर आपके साथ ये घटना होता तो आप क्या करती? हमें प्राउड फील हुआ उसकी बच्ची की बात सुन के, बोला अगर मेरा पिता दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, हमें खुशी मिलेगी कि मेरी बाप को फांसी चढ़ा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लड़की उसकी पिता की बेटी बोली है कि मेरे बेटा, मेरे पिता को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि उस लड़की के लिए न्याय मिली है। आप बताइए, थाना अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रशासन या सरकार की बात करते हैं, उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नीतियां तो उनकी डायरी में दफन हो गई है। संविधान में संशोधन की जरूरत है। जब तक ये रेप होगा, बलात्कार होगा या कहीं क्राइम होगा, लोग बोलते हैं बेल है तो जेल है, है? जेल जाएंगे बेल मिलेगा फिर निकलेंगे, तो उसी आशंका पे लोग क्राइम करते हैं, जो बेल तो मिलना ही है। ये खबर जब बिहार से बाहर जाएगी तो बिहार के लोगों को फिर से हीन भावना से देखा जाएगा, और सोचने का विषय है कि सर बिहार में हर डेढ़ दो महीना पे ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है और राज्य सरकार इन तमाम विषयों पर बात नहीं करती है। हाँ, हालांकि शराबबंदी से पर बात करने से फुर्सत मिले तब ना, जो है पेपर लीक होने से फुर्सत मिले ना, मिले तब ना, तब इन विषयों पर बात होगी। बाकी आप लोग वहां पर गई थी, अच्छा अब मान लीजिए आप लोग गई थी, अभी तो हमको नहीं पता न्याय मिला या नहीं मिला, हम लोग भी जाने का प्रयास करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला 2-4 दिन के अंदर तब क्या कीजिएगा आप? देखिए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जो मेरे मन में चल रहा है कि जितना प्रशासन दोषी है उतना ही हमारे समाज के जो माँ है जो ऐसे दरिंदों को पैदा करती है और सार की तरह रोड पर छोड़ देती है। बचपन से ही अपने बच्चे को ये मत सिखाओ कि तुम बेटा हो तो तुम धांधली बाहर निकल के करोगे, अगर तेरा बेटा पढ़ता है तो उसको बाहर भेजो, बेटी पढ़ती है तो उसको बाहर भेजो, अगर बेटा नहीं पढ़ता है तो उसको घर में चौका बर्तन कराओ, बेटी नहीं पढ़ती है उसको चौका बर्तन कराओ, और ये भेदभाव बंद करो कि ये बेटा है ये बेटी है, और दोनों को संतुलन में रख के घर से ही ऐसी शिक्षा दो ताकि इस तरह का क्राइम समाज में नहीं प्रकट हो। प्रशासन से ज्यादा मैं उन माओं को कहती हूँ कि अपने बच्चों को जन्म से ही संस्कार दो और औरतों को सम्मान करने की प्रेरणा दो। बाकी सच में सर ये सोचने का विषय है कि जब ये 3-4-5 महिलाएं वहां पर पहुंचकर एक मासूम के लिए न्याय की लड़ाई और गुहार लगा सकती हैं तो सिस्टम में बैठे और सत्ताधीश आखिर हैं कहां? सवाल यही है कि क्या आप बरसाती मेढक बन गए हैं और बरसात के ही दिनों में यानी वोट के